आज दोस्तों मुझे ये भी बीमार लग रहा है, इसका भी गला खराब हुआ है दोस्तों, ये भी खर खर कर रहा है, इसको भी टैबलेट दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो दोस्तों ये मटर और बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ती, ये सारा किचन का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है दोस्तों। तो ये मैं अपनी मुर्गियों को डाल के देखता हूँ कि वो खाती हैं या नहीं, तो इसलिए मैं दोस्तों थोड़ी थोड़ी ये काट रहा हूँ कि साबुत तो उनसे खाई नहीं जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी काट लेता हूँ डक को, अपनी सारी मुर्गियों को, सबको डाल के देखते हैं कि वो खाते हैं या नहीं। ये मुर्गियां दोस्तों, अगर बकरियां होती वो तो हम सारी ऐसी साबुत ही रख देते, तो ये मुर्गियां, इसलिए थोड़ी सी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सारी काटूं वो ना हो के कि कोई भी हमारी जो मुर्गी खाए ना, मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाए। बकरी तो होती दोस्तों वो ऐसी ही खा जाती, काफ़ी ज़्यादा तो कट गई है। आप उसको मुर्गियों को डाल के देखते हैं वो खाती हैं या नहीं, और इंतज़ार कर रही हैं जैसे इनको खुशबू आ गई है कि हमारा खाना आ गया है। ये देखें कैसे इधर आके खड़ी हुई है, जैसे मैं तब से काट रहा हूँ दोस्तों इधर ही खड़ी हुई है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ आया हुआ है। आ जाओ भाई, सारी मेरी फेर बकरी हो, आ जाओ। काफी सारा है ये तो खा रही है, नहीं खा रही है, खा रही है। चले दोस्तों, हमारी मेहनत फल ले आई। ये तो सर मैंने काटा भी है फिर भी गले में फंसाया हुआ है। देखो हमारे सुल्तान ने प्याज टुकड़ा उठा लिया और वो खा गया माशाल्लाह। चले दोस्तों खा रही हैं ये, इनको आज सब्जा सब्जा मिल गया है, स्पीड खाने की कोशिश तो कर रही हैं। किधर है दोस्तों? हमारी मेहनत रंग ले आई और हमारी मुर्गियां बड़े शौक से खा रही है जो मटर, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी वेस्ट मटेरियल था दोस्तों। दाने तो नहीं थे मटर में, लेकिन उसका छिलका था, सब्जा था, इसलिए दोस्तों हमने थोड़ी सी मेहनत की, छोटा छोटा काटा उनको, बाहर नहीं फेंका, वेस्ट नहीं किया। मुझे मेरी मुर्गियों का ख्याल आया कि मुर्गियों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी मुर्गियों ने वैसे ही जितनी मेरी मेहनत मैंने की उतने ही शौक से खाई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा रहता है, थोड़ी देर तक ये सफाई कर देगी। तो दोस्तों ये हमारे कबूतर हैं, ये बैठे हुए ऊपर, ये सारे मेरी प्लेटें गंदी कर देते हैं, सोलर पैनल वाली ये ऊपर ही है, सब ये ऊपर ही रहती है, रात को आते नहीं अंदर। बस ये जिसने अंडे दिए हमें दोस्तों, सिर्फ वो ही है इधर, वो बैठा हुआ। आज दोस्तों मुझे ये भी बीमार लग रहा है, क्या कोई वायरस वगैरह तो नहीं आ गई दोस्तों? इसको भी नज़ला हुआ हुआ है, तो इसको मैं टीका नहीं लगाता क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने बच्चे को टीका लगाया था, इसको बुखार हुआ हुआ काफ़ी। तो इसको भी दोस्तों मैं पैनाडोल ब्रोफन का सिरप देता हूँ पानी में सब। ये वैक्सीन भी की थी मैंने, लेकिन ये फिर भी बीमार हो रहे हैं। आज ये वाला दोस्तों जी जी दिलबर से दोस्तों, दिलबर के साथ दोस्ती हो गई है अब, ये बहुत ज्यादा मस्ती खेलते हैं हमारे साथ। और मैंने इसको दवाई देनी है, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए खाना देते थे हम, तो मैं मुर्गियों खाए रहा है। आ जाओ ले लो ले लो ले लो ले लो, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, ये तो इसको दोस्तों टैबलेट देते हैं बुखार के लिए, भी सिरप ही पड़ा है, पहले मैं इसको चौथा हिस्सा टैबलेट का दे देता हूँ। इसका भी गला खराब हुआ है दोस्तों, ये भी खर खर कर रहा है, इसको भी टैबलेट दे देते हैं, इसको भी एक नज़ला हो रहा है। रुको भाई नज़र, रुको रुको रुको, गंजे यार तू तो मेरा फेवरेट यार लग रहा है, इसको उनको कुछ ना हो दोस्तों। ओए होए आवाज आ रही होगी दोस्तों आपको, चलिए किसी स्टोर से मेडिसिन लेके आते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा ब्रोफन दोनों चिक्स को देते हैं।
गया नीचे। वैसे पियो 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 पियो, ये लो आपको पता है मेडिसिन है, ये पी लो। ये इतना बड़ा इंजेक्शन ही मिला दोस्तों, मैं इसी से इनको सिरप पिला रहा हूँ। गंजे बच्चे को और इन दोनों को नैदा कर देते हैं, ये ना हो कि बाकी भी बीमार हो जाएं दोस्तों। नज़ला ही हो रहा है, पहले वाले बच्चे को भी नज़ला ही था दोस्तों। तो रुक तो सही यार, इन तीनों को दोस्तों नज़ला हो रहा है, गले में खर खर की आवाज़ आ रही है। तो मैंने चेक किया है, इनको नज़ला है, बुखार है, इनको मेडिसिन मैंने दे दिया है। उनको तीनों को अलहदा बंद कर देते हैं कि बाकियों में वायरस ना आ जाए, और जो पानी पड़ा है वो चेंज कर देते हैं। तीनों को दोस्तों इधर बंद कर देते हैं हम, इनको इधर ही मेडिसिन सब कुछ प्यासा रख के पानी में इनको मेडिसिन देंगे। स्वाद इनकी लेके आती है स्टोर से। चलो भाई खर खर कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे गले में से खर खर की आवाज आ रही है। इनका पानी उठा ही देते हैं दोस्तों, सुबह इनको वैक्सीन तो नहीं होगी, अब कुछ मेडिसिन ही ला के देंगे इनको, क्योंकि गले चलेगी जो इनका नज़ला चला जाए। सही रात प्यासी होंगे तो सुबह ये पियेंगे भी। तो हीरा मुर्गी थी हमारी बड़े वाली, वो भी बीमार हो रही थी, उसको मैंने उधर वाशरूम में उधर बंद कर दिया है अलहदा। तो आज इनकी कुछ दवाई लेके आते हैं, पानी मैंने निकाल लिया सबका, तो इनको प्यासा रखा हुआ है। सुबह इंशाल्लाह इनको वो पानी में दवाई कुछ दिया, जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, मशवरा करते हैं वेटरनरी स्टोर पे, वो तो कौन सी मेडिसिन देते हैं, सुबह इनको पिलाते हैं। आप दुआ कीजिएगा दोस्तों कि कोई बीमारी वगैरह ना हो, वो ना हो कि ऐसा ऐसा करके हमारी सारी मुर्गियाँ मर जाएं। और काफ़ी भाई कह रहे थे कि ट्रम्प पीटर के बच्चों जो मच्छर लड़ रहे थे, आपने लहसुन लगाया था, वो कैसे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। माशाल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर हैं, ये देखिए आप, ये देखिए सारे ज़ख्म इनके ठीक हो गए हैं। ये देखिए कुछ तो जल गए हैं, थोड़े थोड़े हैं, दोबारा मच्छर भी इधर नहीं लड़े। दूसरे वाला भी मैं दिखा देता हूँ जिसका मुंह खराब था जी। और ये देखो ये जल गए हैं इनके जख्म, अगर इधर लहसुन या इसको लहसुन ना लगाते और ना इनको खिलाते दोस्तों ये मर भी सकते थे, और इनके मच्छर ना लड़के इतने बड़े बड़े ये इनको ज़ख्म हो जाते थे। ये देखें दोस्तों ये जल गए हैं, बेहतर हो गई है कुछ, और अब ये ठीक है माशाल्लाह। वाइट वाली मुर्गी दोस्तों उधर सामने बंद है, ये भी मुझे कुछ थोड़ी सी ढीली ढीली लग रही है, इसलिए मैंने इसको इधर अलहदा ही बंद कर दिया कि इसको भी कोई मसला ना हो कि बाकी मुर्गियाँ भी बीमार हो जाएं, और इसकी भी इंशाल्लाह सुबह ट्रीटमेंट मेडिसिन टैबलेट मैंने इसको दे दी है एंटीबायोटिक, और आपने दुआ करनी है ये ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारे बच्चे बीमार हैं, बहुत परेशान है, तो आप सब ने दुआ करनी है कि कोई वायरस वगैरह ना हो, क्योंकि आज सुबह वैक्सीन करते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कोई मेडिसिन लेके आता हूँ, सुबह इनकी वैक्सीन करेंगे, सुबह आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।